मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 6 टेंथ क्लास का जैव प्रकरण। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा पादपों में परिवहन। आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं जंतुओं में परिवहन, और जंतुओं में परिवहन में हम पढ़ेंगे मनुष्य में परिवहन कैसे होता है। परिवहन का साधारण सा मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, और हमारे शरीर में ये काम करने वाला होता है रक्त। अब रक्त ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी रक्त से ही भरी हुई है। रक्त कुछ नलियों में चलता है जिनको बोलते हैं रक्त वाहिनियाँ, और रक्त को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है हमारा हृदय। कहने का मतलब क्या है, एक पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है परिवहन के लिए। ट्रांसपोर्ट किसका करना होता है, कोशिकाओं को चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को पहुंचाना होगा। कोशिकाओं को चाहिए ग्लूकोज, उसको पहुंचाना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी तो उसको लेके आना है। अपशिष्ट पदार्थों को भी वापस लेके आना है। तो जितनी भी चीज़ें कोशिकाओं को चाहिए और जो उसमें बनेगी, इन सब का, और जो हार्मोन हमारे शरीर में बनते हैं, उन सब का आदान प्रदान करने वाला होता है रक्त। तो परिवहन होगा शरीर के अंदर, और करने वाला कौन है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र कह सकते हो। शॉर्ट सीधा तरीके से परिवहन तंत्र कहेंगे। तो परिवहन तंत्र इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जो पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो एक तो इसमें ये पार्टिसिपेट करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक हिंदी में बोलते हैं उसको लसिका, लसिका तंत्र, पूरा का पूरा लसिका एक तंत्र होता है, या लसिका प्रणाली हम कहें, वो भी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। तो दो हमारे शरीर के अंदर दो चीज़ें हैं काम करती हैं जो सर्कुलेशन का, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है लसिका तंत्र। तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब परिवहन तंत्र है जो, उसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा रक्त जो मुख्य वस्तुओं को लेके जाता है। ये चलता किसके अंदर है, रक्त वाहिनियों के अंदर। तो दूसरा भाग होगा इसका रक्त वाहिनिया, रक्त वाहिनिया, ठीक है। और तीसरा, अब देखो, अगर हमने पानी को ऊपर पहुंचाना है या अलग अलग पार्ट में पहुंचाना है, तो कभी भी पानी अपने आप नहीं जाएगा, उस पानी को धक्का देना पड़ेगा, और धक्के के लिए हम लगाते हैं मोटर, तभी वो पानी अलग अलग भागों में पहुंच सकता है। अब हमारे शरीर में भी तो रक्त को अलग अलग भागों में पहुंचाना पड़ता है, तो उसको धक्का देने के लिए कोई ना कोई मोटर हमारे शरीर में होनी चाहिए, और वो होता है हृदय। हमारा जो हार्ट होता है वो मोटर का कार्य करता है। तो ये तीन भाग हैं किसके, हमारे परिवहन तंत्र के, सर्कुलेटरी सिस्टम के। एक है रक्त, ब्लड, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स जिनको बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और हृदय, हृदय का मतलब हार्ट। तो हम इन तीन चीजों से मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो हम इन तीनों को ही पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको, रक्त के बारे में पढ़ते हैं कि रक्त क्या है। आपने देखा कि रक्त लाल रंग का एक द्रव पदार्थ है। कैसा, लाल रंग का। अब ये होता क्या है, मतलब अगर हम इसको साइंस की परिभाषा में कहें तो ये क्या होता है, रक्त क्या है, एक ऊतक है, और ऊतक कौन सा है, संयोजी ऊतक। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ऊतक जो होते हैं हमारे शरीर में, अलग अलग प्रकार के ऊतक हैं, एपिथेलियम युक्त ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशीय ऊतक है, संयोजी ऊतक है, ठीक है, और
एक होता है कार्डियक टिश्यू, मतलब हृदय में जो होता है उसको थोड़ा, उसको होता तो पेशी उत्तक है लेकिन उसको अलग मान लेते हैं, उसको कार्डियक टिश्यू बोलते हैं। तो मैंने बताया संयोजी एक उत्तक है, तो रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है, ये चीजों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन क्या है, ये है तो कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी उत्तक है लेकिन द्रव है, तो द्रव संयोजी उत्तक होता है रक्त। अगर हम रक्त को देखें, मतलब इसी कंपोजिशन को देखें कि रक्त क्या चीज है, तो रक्त मान लो आपके पास ये ब्लड है, ब्लड को अगर हम छान दें बहुत ही बारीक छलनी में तो दो पार्ट आपको मिलेंगे। एक तो निकल जाएगा लिक्विड सा पार्ट, जो एक तरफ मान लो आपके पास चाय है और आपने उसको छान दिया, तो जो नीचे निकल गया वो तो अलग चाय, और जो ऊपर जो बच गई है वो चाय की पत्ती है। ऐसे ही अगर हम ब्लड को छाने तो उसमें कुछ द्रव पदार्थ नीचे निकल जाएगा जिसका नाम होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हिंदी में भी प्लाज्मा ही लिखना पड़ेगा। और जो ऊपर रह जाएंगी वो होती हैं रक्त कोशिकाएं, जिनको बोलते हैं ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा ब्लड का वह भाग है जो तरल है, तरल मतलब जो आपको बहता हुआ रक्त दिखाई देता है उसमें जो पानी पानी सा भाग है, जो द्रव भाग है जो, वो होता है उसमें प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बिखरी पड़ी हुई हैं, और वो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, वो तीन प्रकार की होती हैं। अगर हम प्लाज्मा को देखें कि प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा में भाई 91 से लेकर 92% तो इसमें पानी ही होता है, वाटर ही होता है, 7% इसके अंदर प्रोटीन होता है, और बाकी इसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं, मतलब लवण होते हैं, बहुत सारे लवण होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, ब्लड सेल्स की, सबसे पहले उठाते हैं किसको, आरबीसी को, लाल रक्त कोशिकाएं। हमारे हमारे रक्त का रंग लाल है, क्यों, क्योंकि हमारे रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, मतलब पर 100 ml अगर ब्लड ले लें, एक ड्रॉप अगर हम पर 100 ml छोड़ो, एक ड्रॉप की अगर हम बात करें तो उसमें मिलियंस ऑफ आरबीसी सेल होती हैं, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या अधिक होने के कारण रक्त में वो लाल दिखाई देता है। ये जो भाग है देखो, जब हमने इसको अलग निकाल दिया ये अब लाल नहीं दिखाई देगा, ये जो प्लाज्मा है ये तो कलरलेस है, ये तो पानी सा है, ये समझ लो। जब हम उस पानी से में ये कोशिकाएं डाल देंगे तो वो हो जाएगा लाल। लाल क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें आरबीसी जो डाली जाएंगी वो अत्यधिक मात्रा में है, उनकी संख्या है बहुत अधिक। डब्ल्यूबीसी जो डाली जाती हैं उनकी संख्याएं इनसे बहुत कम होती हैं, और प्लेटलेट्स की भी बहुत कम होती है। तो आरबीसी ये लगभग सर्कुलर इन शेप, इनका आकार गोल भी हो सकता है, कई बार ये होती है डंबल शेप, इस तरह से होती है। अब इनके अंदर कोई केंद्रक नहीं होता। मनुष्य की आरबीसी में लाल कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, इसके अंदर एक वर्णक भरा होता है, लाल रंग का वर्णक, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण इस कोशिका का रंग लाल होता है, और लाल रक्त कोशिका के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की अगर हम संरचना को देखें तो इसके अंदर आयरन होता है, आयरन, तो आयरन के कारण हीमोग्लोबिन का रंग रेड होता है, लाल रंग आयरन के कारण होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की संरचना में होता है आयरन। ठीक है भाई, तो आयरन के कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कोशिका का रंग लाल, और लाल रक्त कोशिका के कारण रक्त का रंग लाल।
ये तो होगी भाई। उसके बाद जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को कैरी करती है, मतलब ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे फुफ्फुस हैं मतलब फेफड़े हैं जो, वहां कोशिकाएं होती हैं। जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिका बता चुका हूं पहले, यहाँ इसके ऊपर इसके आसपास ये रक्त वाहिनी है, तो रक्त वाहिनी ये को इधर कोशिका है, तो ये इधर से रक्त वाहिनी ऐसे जाएगी इस तरह से। इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस रक्त में आएगी इस प्रकार, और ये रक्त जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके यहाँ पहुंचेगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा किसको? इस कोशिका को, और इससे क्या ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा और फिर इसको वापस लेके आएगा कोशिका के पास। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैंने बताया ये अपने आप नहीं चलता, ये रक्त काम तो यही चलना है। मतलब क्या है? बार बार रक्त चलता है बॉडी में, जाएगा खाना देगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, अपशिष्ट पदार्थ को लेके आएगा। लेकिन उसको जब वो वहां से आएगा तो एक बार वो हृदय में भी जाता है। हृदय क्या करता है? उसको पंप करता है ताकि वो आसानी से फेफड़ों के पास पहुंच जाए, जहां वो कार्बन डाइऑक्साइड वापिस दे सके। ठीक है भाई, तो ये सर्कुलेशन में होता है। अब सर्कुलेशन में मैं तो वो बता रहा हूँ जो सर्कुलेशन के भाग हैं। तो हम सर्कुलेशन में एक तो इसके अंदर जो चल रहा है रक्त ये पढ़ रहे हैं, फिर हमने ये पढ़नी है रक्त वाहिनी जिसके अंदर रक्त चलता है, और एक पढ़ेंगे हम हृदय जो उसको धक्का लगाता है। तो आरबीसी के बारे में मैं बता रहा था, तो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं लाल है क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? यहाँ से जो ऑक्सीजन को उठाना होता है ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता कौन है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, एचबी ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बनाता है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से जाएगा यहाँ पे कोशिकाओं के पास, यहाँ HbO2 आएगा, और यहाँ आते ही ये टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, तो ये टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी और टूट के ऑक्सीजन चली जाएगी इसमें। ठीक, कुछ इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो हीमोग्लोबिन निकलता है इसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ये पकड़ के ले जाता है फेफड़ों तक, सारे को नहीं ले जाता, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को तो प्लाज्मा लेके जाता है, लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन उठा लेता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई 14 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना। आरबीसी जो होती है 120 दिन का लगभग इनका लाइफ स्पैन होता है, 120 दिन तक ये जीवित रहती है, उसके बाद ये मर जाती हैं। देखो मरने का मतलब ये मत समझना कि हमारे रक्त में कोशिकाओं की कमी हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे रक्त में कोशिकाओं की कमी नहीं होती। हर रोज हमारी बॉडी में लगभग 3 मिलियन आरबीसी की डेथ होती है, मतलब वो अपना टाइम पूरा करके मर जाती है, लेकिन उससे कई गुना उनसे कई मिलियन ज्यादा आरबीसी बनती रहती है। आरबीसी बनती कहाँ पे है? आरबीसी बनती है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? जो हमारी लंबी हड्डियां होती है जैसे टांग की हड्डी है, जो लंबी हड्डियां होती है उन हड्डियों के अंदर उनके बीच में बोन मैरो होता है, जहाँ पे आरबीसी मतलब सभी कोशिकाओं की फॉर्मेशन वहीं पे होती है, आरबीसी की फॉर्मेशन वहां होती है। ठीक है भाई, तो ये तो बात होगी आरबीसी के बारे में। आरबीसी का कार्य मैंने बता दिया, संरचना मतलब ये गोल होती है या डंबल शेप की होती है, केंद्रक इसमें नहीं होता, लाइफ स्पैन 120 दिन का है। कार्य क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना इनका मुख्य कार्य है, किसका? आरबीसी का, लाल रक्त कोशिकाओं का। उसके बाद हम बात करते हैं WBC की, WBC व्हाइट ब्लड सेल, इनका कार्य क्या है? ये भी सर्कुलर इन शेप, लेकिन इनसे साइज बहुत छोटा होता है, ये छोटी होती है, सर्कुलर भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। वैसे मैं बता दूं ये अलग अलग आकृति की होती है, इन ये अलग अलग आकृति की क्यों होती है? क्योंकि इनके अलग अलग कार्य होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 120 दिन नहीं होता, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 2 to 4 डेज लगभग, मैक्सिमम 4 या 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं होगा, 2 से 4 दिन इनका लाइफ स्पैन होता है, और संख्या इनसे बहुत कम होती है। अब इनका कार्य क्या है? WBC का कार्य ये हमें बीमारियों से बचाती है। बीमारियों से कैसे बचाती है?
जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, बीमारी कौन फैलाते हैं बॉडी में, वायरस और बैक्टीरिया। तो जब भी कोई वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसको ये मारने का काम करते हैं, इसलिए इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी बोला जाता है, सोल्जर ऑफ द ब्लड या सोल्जर ऑफ बॉडी, किसको, WBC को। ये हमें ये लड़ाई करती है किससे, जो एंटीजन्स बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उसके साथ WBC फाइट करती है। कैसे करती है, देखो WBC अलग अलग तरीके से फाइट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये क्या कर सकती है, जिस प्रकार अमीबा अपना भोजन लेता है, एंगल्फ करता है स्यूडोपोडिया के, उसको घेर लेगा भोजन को और अंदर ले लेगा, ऐसे ही इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो फैगोसाइटिक होती है, मतलब क्या, वो किसी भी एंटीजन को खा सकती है, जिस प्रकार अमीबा भोजन को खाता है वैसे ही, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कुछ केमिकल पैदा करती है, उन केमिकल को बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करती है, मतलब हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है वो एंटीबॉडीज के कारण होती है। जब भी कोई बीमारी फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म अंदर जाएगा, एंटीजन, उसको एंटीजन बोला जाएगा, तो हमारी एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ चिपक जाएंगी और उसको मार देंगी। ये अलग अलग टाइप की होती है, WBC कोई एक टाइप की नहीं होती, WBC अलग अलग टाइप की है, जैसे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स, फिर आगे लिम्फोसाइट अलग टाइप के, जैसे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स, और मोनोसाइट्स भी फिर अलग अलग टाइप की है। तो अलग अलग टाइप की होती है, तो टी सेल, जैसे टी लिम्फोसाइट जो होती है, फिर वो भी आगे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, इस प्रकार अलग अलग सेल, इन सब के अलग अलग कार्य है। टी हेल्पर सेल मतलब हेल्प करती है किसको, किसी ऑर्गेनिज्म को मारने वाली कोशिकाओं की हेल्प करती है, हेल्पर सेल, जो एड्स का वायरस होता है ना, वो टी हेल्पर सेल को सबसे पहले मारता है। टी हेल्पर सेल वो सेल होती है जो जगाने का काम करती है दूसरी कोशिकाओं को, WBC को, कि भाई जाग जाओ, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। मतलब जैसे ही फॉरेन पार्टिकल आएगा, कुछ कोशिकाएं उसको पहचान लेंगी और दूसरी कोशिकाओं को जगाएंगी कि जागो, इम्यून सिस्टम जाग जाएगा और उसको पकड़ लेंगे। अब जैसे ही हेल्पर सेल जो होती है, अब एड्स का वायरस जैसे अंदर जाएगा, उस वो हेल्पर टी सेल को मारेगा। हेल्पर टी सेल क्या करेगी, दूसरी कोशिकाओं को जगाने का काम करती है, तो अब वो काम कर नहीं पाएगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम वो डैमेज हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे हेल्पर टी सेल वो सारी खत्म हो जाएंगी, तो इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका नाम एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है उसमें। एड्स का वायरस आदमी को नहीं मारता, एड्स का वायरस क्या कर देगा, आदमी के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देगा, जिससे उसमें अगर कोई भी बीमारी लग जाएगी तो वो बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी, तो उन बीमारियों से आदमी मर जाता है। तो WBC लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन होता है, और इनसे आधी इनकी संख्या होती है, लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख पर 100 ml ब्लड में इतनी मिलती है लगभग, ठीक है भाई। फिर अब बात आती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या भी कम होती है, और संख्या कम होने के कारण इनका भी कोई कलर में कोई योगदान नहीं है, मैक्सिमम कलर दिखाई देता है RBC का। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, खून का थक्का जमाने में मदद करती है, मतलब जब भी कोई कट लगता है बॉडी में तो वो घाव जल्दी भर जाता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जब भी घाव लगता है, बहुत सारी प्लेटलेट्स, पट्टी काणु बोलते हैं उनको हिंदी में, बहुत सारी पट्टी काणु उधर जाके इकट्ठा हो जाती हैं और वहाँ पे एक थक्का बना देंगी, मतलब क्लोट बना देंगी, जिससे जो वो खून बाहर चल रहा था वो रुक जाएगा और ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा। तो ये हो गया भाई हमारा ब्लड कंप्लीट। तो ब्लड के 2 भाग, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा की कंपोजिशन मैंने बता दी कि प्लाज्मा में ज्यादातर तो क्या है, पानी है, 91 से 92% तो पानी ही है, और ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। अकेले प्लाज्मा को देखोगे तो ये कलरलेस होगा। 7% प्रोटीन है और बाकी जो बच गए इसमें साल्स है। इसका काम क्या है, प्लाज्मा का मुख्य काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना।
कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मतलब कोशिका से और फेफड़ों तक जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है 70% कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है किससे प्लाज्मा से होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल जाती है तो वो प्लाज्मा में घुल के यहाँ पहुंचती है फेफड़ों में। बात समझ में आएगी। उसके बाद ये अलग अलग ये बच के ब्लड सेल इनके शेप इनका लाइफ स्पैन और इनके क्या कार्य हैं जो मैंने अभी बताया है ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लड कंप्लीट। तो इस वीडियो में हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ेंगे और वो है ब्लड, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और ब्लड के फंक्शन क्या है मतलब कार्य क्या है। देखो ब्लड के कार्य बॉडी में सबसे मेन कार्य तो यही है ट्रांसपोर्टेशन का, ऑक्सीजन को कैरी करता है। कौन कैरी करने वाला मुख्य रूप से ये आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करने वाली है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, बात ही याद रखना। हालांकि हीमोग्लोबिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करता है लेकिन मैक्सिमम किसका करता है ऑक्सीजन का करता है। प्लाज्मा किसका ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा से और बाकी 15-20% ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन से ठीक है भाई। WBC का कार्य क्या है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना, सोल्जर कहलाते हैं हमारी बॉडी के, रक्षा करते हैं बीमारियों से, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करती है कौन WBC और प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, सॉरी ब्लड प्रेशर को वो आगे आएगा। तो ये हो गया भाई ब्लड, उसके कंपोनेंट और उनके कार्य ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके जो पार्ट बच गए हैं कौन कौन से, एक तो बच गया रक्त वाहिनियां और हृदय, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।